बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सादिया ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज आपके लिए बहुत इजी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। घर के अंदर पिज़्ज़ा तैयार करना, पिज़्ज़ा पराठा तवे से, तवा हो तो पतीला हो या कढ़ाई, जिसके अंदर भी आप रख के ओवन की तरह इसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी वे में आपको तैयार करना बताऊँगी, जब दिल चाहे आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिज़्ज़े के लिए जो डो तैयार करनी है वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 किलो मैदा है और 1 चम्मच चीनी का, तकरीबन 2 चुटकी नमक है, ये 1 साशे ईस्ट का तैयार शुदा मिलता है, ये मैंने तैयार ईस्ट लिया है। अमूमन इसको पानी में घोल के भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी डो बहुत बेहतरीन तैयार होती है अगर आप इसको इसी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लें। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से। आपकी चीनी, नमक और ईस्ट जो है आटे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आपने तकरीबन 1 चम्मच ऑयल जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। इसको इस तरह हाथों की मदद से आटे को, इसके अंदर जो बारीक बारीक ऑयल डालने की वजह से दाने से बने हैं उसको आपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। ये अच्छी तरह आपका ऑयल भी जो है वो मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। नॉर्मल पानी लेना है, नीम गर्म लेना चाहे तो मर्जी है, लेकिन नॉर्मल पानी से ही मैं डो तैयार करूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदना शुरू करें। पानी एकदम नहीं डालना, इस तरीके से डालना है कि जो मैदा गीला होता जाए वो इतना हो। इस तरीके से आप इसको साइड में करते जाएँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करें। इस तरीके से आपने ये सारा मिक्स कर लेना है। ये देखिए आप, इसको मैंने इस तरीके से, ये बैटर जो है इसका, ये डो जो है वो इस तरीके से होना चाहिए, सख्त भी ना हो और नरम भी ना हो। हल्का सा ऑयल अपने हाथ को लगा लें और अब इसको आप अच्छे तरीके से मल दें। ये देखिए, ये डो जो है वो मैंने बना ली है। अब आप इसको एक बड़े बाउल में, जो जहाँ पे इसकी मिकदार ने डबल होना है भर के, तो आप इसके अंदर इसको इस तरीके से रख लें और ढक्कन दे दें। 4 घंटे के लिए आपने इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। चलें जी, अब हम करते हैं पिज़्ज़े की सॉस का इंतज़ाम, उसकी तैयारी। तो सबसे पहले ये आपने कम से कम 1/2 कप पानी का जो है वो फ्राई पैन में आपने डाल देना और इसको चूल्हे को थोड़ा तेज़ कर दें। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, तकरीबन 1 चम्मच विनीगर। अब इसको आप थोड़ा पकने दें। बाज़ार से आप लाना चाहें तो बाज़ार से लें, घर में रेडी करना चाहें तो इस तरीके से आप पिज़्ज़ा सॉस जो है उसको रेडी कर सकते हैं। ये
तकरीबन 3 चम्मच जो है केचप, जितने आपने पिज़्ज़े रेडी करने हो उसी हिसाब से आपने सॉस को रेडी कर लेना है। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 पिज़्ज़े जो हैं रेडी करने हैं, तो इसको मैं उसी हिसाब से रेडी कर रही हूँ। और ये 3 चम्मच केचप के आप और डाल देंगे, तकरीबन 6 चम्मच केचप के, और ये आपके 3 पिज़्ज़ों के लिए ज़बरदस्त किस्म की सॉस जो है वो, ये देखिए इस तरह की थिक होनी चाहिए, बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अब ठंडा होने के लिए रख दें और उसके बाद हम करते हैं टॉपिंग की तैयारी। चलिए जी, अब टॉपिंग की तैयारी, ये एक फ्राई पैन ले लें आप, इसके अंदर आपने तकरीबन 1/2 गिलास से भी कम, यानी गिलास का 1/3 हिस्सा पानी का ये डाल दें और इसको गर्म होने दें। ये चिकन मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे पहले रख दिया था, ये छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में चिकन को काट लिया था। आप इसको तिक्का मसाला लगा लें, तंदूरी मसाला लगा लें, जो भी आप फ्लेवर देना चाहते हैं वो लगा लें, किसी भी कंपनी का लगा लें, घर में खुद रेडी करना चाहें तो खुद रेडी कर लें। इसको जब आप मसाला लगाएं तो 2 चम्मच दही के और 1 चम्मच ऑयल का इसमें लाजमी डाल दें। ये देखें पानी जो है वो गर्म हो गया है, अब आपने इसमें इस चिकन को डाल देंगे और ये अच्छी तरह से जो मसाला है वो भी निकाल के और ये आपने इस तरीके से इसको, बस इतना ही इसके अंदर पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आग को आप देखें बिल्कुल स्लो कर दें और इसके ऊपर ढक्कन दें। तकरीबन 10 मिनट लगने हैं इसको हल्की आंच पे, इसने गलना है और इसको फिर आपने इसी जो इसके अंदर दही और ऑयल, मैंने 1 चम्मच ऑयल का और 3 चम्मच दही के डाले हैं, इसी में हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और गलाना है। ये देखिए माशाल्लाह चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है और वो दही का पानी जो था ये पकना शुरू हो गया है, इसी तरह ये हल्की आंच पे पकता रहेगा और तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में आपका चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं चिकन के रेडी होने पर। चलेंगी ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये देखें चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है टॉपिंग के लिए और बॉडी चेक कर लिया करें, ये देखें कि सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त था ये आपका टॉपिंग के लिए चिकन जो है वो रेडी हो गया, बिल्कुल खुश होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये आपका तंदूरी पिज़्ज़ा जो है आपका, इसके लिए चिकन आपका रेडी है। चले आते हैं पिज़्ज़े को सेट करते हैं। हाँ जी, अब हमने पिज़्ज़े के लिए, क्योंकि ओवन नहीं है तो ओवन के बगैर पिज़्ज़ा बनाना है, तो इसके लिए हमने एक छोटा ओवन तैयार करना है घर में इजीली, ठीक है। उसके लिए एक पुरानी कढ़ाई ले लेंगे आप और इसमें आप रेत जो है वो भर दें थोड़ी सी, ठीक है। इसको इस तरीके से आप फैला दें और बीच में आप रख दें ये कोयले इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ी सी रेत जो है वो आपने और फैला देनी है। अब आप इसको थोड़ी आंच जो है वो दरमियानी से ज़्यादा करके इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें ताकि आपके पिज़्ज़ा को रेडी होते हुए एक आपने इस तरह बर्तन लेना है, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर दें
और ये आप ढक्कन दे दें ताकि ये अंदर से इसका जो है वो गर्माइश इतनी हो जाए कि आपका पिज़्ज़ा जो है, जिस ओवन के अंदर हीट चाहिए होती है तो इसके अंदर आपकी हीट जमा हो जाएगी। ठीक है, आए अब पिज़्ज़े की तैयारी करते हैं। चले जी, ये है हमारी डो। ये देखें वो ज़बरदस्त, देखें कितना ज़बरदस्त सा ये जो है, हल्का सा हाथ को आप ऑयल लगा लें अपने और इसको एक दफ़ा इसकी सारी हवा निकाल लें इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त जो है डो हमारी फूली है, इसको आप इस तरीके से तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें। और ये एक आप अपने हाथ में देख के इसको इस तरीके से हल्के और नरम हाथों से इसको गोल बाउल बना लें। ठीक है, ये एक सांचा ले लें जिसमें लगा लें इसको, इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसकी इस तरीके से अच्छी तरह से सारी तरफ लगा दीजिए। अब जो हमने पेड़ा बनाया था उसको आप अपने हाथ से इस तरीके से करके इसको सेंटर में रखें और इस तरह फैलाते रहें। बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसको, आपने इसको थोड़ा मोटा रखना है और इसको आपने पूरे सांचे के अंदर फैला देना है और इस तरीके से इसको राउंड में हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते हुए चिपका दें। और अपनी उंगलियों से इस तरीके से इसके अंदर डॉट्स बना लें। ये आप पिज़्ज़ा सॉस लें और पूरे के ऊपर फैला दें। अच्छे तरीके से आप इसको फैला दें। केचप, जिस भी फ्लेवर, जो भी फ्लेवर आपको केचप का पसंद हो वो भी इसके ऊपर फैला लें। अब जो आपने चिकन तैयार किया था वो आप इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। इस तरीके से शिमला मिर्च जो है वो अपने अपने स्टाइल से आप जैसे आपको अच्छी लगे उस तरीके से आप काट सकते हैं। इस तरह, इसी तरह रिंग में आपने ऑनियंस को काट लेना है। ठीक है, ये भी आप इस तरीके से रख लें। और भी आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें, मैं अपने बच्चों की पसंद के मुताबिक चीज़ बना रही हूँ, आप अपने बच्चों की पसंद से बना सकते हैं। कुछ लोग ऑनियन पसंद करते हैं, कुछ नहीं, तो आप उसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ भी मिल जाती है, वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा जो है वो आइए देखते हैं। माशाल्लाह, ये हमारी भट्टी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हमने अपना ये जो पिज़्ज़ा ट्रे है इसके अंदर इस तरीके से रख देना है और इसको ऊपर से बंद कर देना है। आँच जो है वो आपने दरमियानी कर देनी है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपका ये कुक होगा
अब मिलते हैं इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट बाद। इसके लिए अब हम तैयार करते हैं पिज़्ज़ा पराठा। ठीक है, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, उतनी देर में हम पिज़्ज़ा पराठा रेडी करते हैं। चलिए जी, अब हम करते हैं पिज़्ज़ा पराठा तैयार। तवे को आप मुनासिब आंच पे इसको आप गर्म होने दें। एक आप प्लेट ले लीजिए, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल इसको इस तरीके से लगा लें और एक दूसरा जो है बाउल, आटे का बाउल तैयार करें और इसको आप इसके ऊपर इस तरीके से रख के इसको हिलाएं। तवा गर्म हो चुका है, तवे की आंच को बिल्कुल धीमा कर दें, बिल्कुल धीमा कर दें और उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको गोल फैलाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ को लगाएं और इसके ऊपर इस तरीके से आप इसको थोड़ा बढ़ा लें। हल्की आंच पे इसको आप पकने दें ताकि आपकी डो जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। आप इसकी थोड़ी सी स्काई करें, हल्का सा ऑयल जो है आप इसके ऊपर लगाएं इस तरीके से कि उसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। थोड़ी देर के लिए आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें ताकि ये थोड़ा पककर फूल जाए। ये देखें माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त सा फूल गया है एक साइड से, इसको आपने पलट देना है। इसको दूसरी साइड से भी चंद मिनट के लिए पकने दें। ये देखें कि आपका पिज़्ज़े पराठे का डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब आपने बिल्कुल आँच को इतना स्लो करना है कि जब आप ऊपर काम कर रहे हों तो आपकी डो नीचे से जले ना। अब आप जल्दी जल्दी आप इसको इसके ऊपर आप सबसे पहले जो हमने पिज़्ज़े के लिए सॉस रेडी की थी उसको लगाएंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर केचप लगाएं। उसके बाद आप इसके ऊपर वो जो आपने चिकन तैयार किया था उसको लगाएं। केचप को अच्छे तरीके से साइडों में फैला दें, यानी आप घर में पिज़्ज़े का मज़ा कई तरीक़ों से ले सकते हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके से इसको रेडी कर दें। उस पहले की तरह ही आपने इसके ऊपर शिमला मिर्च, आनियन ये सारी चीज़ें लगा देनी है। मुझे क्योंकि ऑनियन ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करती हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस तरह एंड में आप इसके ऊपर चीज़ लगाएं और इतनी देर के लिए आपको इसको ढकना है कि आपका जो है चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट देने हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है और ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा बस रेडी होने वाला है और इसी तरीके से हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो रहा है। तकरीबन 5 मिनट इसको और चाहिए और ये रेडी हो जाएंगे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पिज़्ज़ा पराठा तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए कितना ज़बरदस्त। इसी तरीके से हमने दूसरा तीसरा जितने भी आप रेडी करना चाहें वो रेडी कर लें। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये आपका पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल साफ तक के नहीं आई कोई भी चीज़। अब आप इसको आराम से निकाल लीजिए ट्रे को, इस तरीके से आप इसको ओवन को सॉरी पिज़्ज़े को निकाल लें। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है आपका पिज़्ज़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर आने वाले नए आने वाले इसको सब्सक्राइब करें। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।